बिस्फी थाना परिसर में रविवार को बिस्फी थाना के एक चौकीदार को सेवा निर्मित होने पर सम्मान समारोह पूर्ण विदाई दी गई। थाना अध्यक्ष राजकुमार राय की अध्यक्षता में विदाई समारोह आयोजित की गई। चौकीदार साधु शरण पासवान को मिथिला पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार पाग दोपटा व माला पहनाकर विदाई दी गई। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए थाना अध्यक्ष श्री राय ने कहा कि चौकीदार श्री पासवान का योगदान सराहनीय रहा एवं क्षेत्र में तत्परता रूप से कार्य किया। थाना के सभी पदाधिकारी एवं चौकीदारों ने इनके कार्यकाल की भूरी भूरी प्रशंसा की। सेवा निर्मित चौकीदार श्री पासवान ने कहा कि यदि उनसे किसी को कार्यकाल के दौरान दुख हुआ तो वो क्षमा प्रार्थी है। मौके पर एसआई महेश सिंह, सुभाष सिंह, एएसआई हरेंद्र राय, डीके दिवाकर, चौकीदार शंकर मिश्रा, सिया शरण पासवान, कालू सदाय, नागेंद्र पंडित, नरेश पासवान, राम सेवक यादव, फूल कुमारी, छोटू कुमार एवं मोहम्मद जावेद, मोहन यादव सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के निर्देश पर बिस्फी थाना एवं पतौना ओपी पुलिस के अलग अलग जगहों से 3 शराब पियक्कर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। संध्या गश्ती के दौरान बिस्फी पुलिस ने रघौली गांव निवासी अनिल कुमार मंडल को शराब के नशे में गिरफ्तार कर थाना लाया, जिसकी मेडिकल जाँच कराई गयी। मेडिकल जाँच में काफी मात्रा में अल्कोहल पाया गया, जिसके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं पतौना ओपी पुलिस ने संध्या गश्ती के दौरान मधुपुर गांव से 2 शराब पियक्कर को गिरफ्तार की। ओपी अध्यक्ष ने बताया कि दोनों शराब पियक्कर की पहचान बिस्फी थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव निवासी संजय महतो एवं मिथिलेश महतो के रूप में की गई है। दोनों शराबियों को मेडिकल जांचों उपरांत प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत को भेज दी गई है। नदियों को बढ़ते जलस्तर एवं हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के पश्चिमी भाग रथौस, सिंघिया, रघौली एवं बलहा समेत नदियों का सीओ श्रीकांत सिन्हा स्वयं बाढ़ सुरक्षा को लेकर निरीक्षण किया। उन्होंने वर्तमान स्थिति में जल की स्थिति का अवलोकन किया। उन्होंने रथौस घाट पर एक नाव भी उपलब्ध कराया। सीओ श्री सिन्हा ने बताया कि आगामी होने वाले श्रावणी मेला को लेकर बलहा घाट पर प्रशासन का विशेष नजर बनी हुई है। बलहा घाट से ही कांवड़िया जल भरकर भैरवा उगना शिवालय पर जलाभिषेक करते हैं। उनके साथ सीओ वसंत कुमार झा भी मौजूद थे। भैया एक पैकेट चाय पत्ती का देना। ये लीजिए चाय पत्ती। भैया मुझे कनीस की चाय पत्ती चाहिए। क्यों? कनीस चाय पत्ती में ऐसा क्या है जो आपको वो ही चाहिए? कनीस चाय दुनिया की पहली GMP सर्टिफाइड चाय पत्ती है, जो कड़क और खुशबूदार होने के साथ एकदम नेचुरल और प्योर है, जो रिफ्रेशिंग टेस्ट देती है। और एक बार इसको कोई पी ले तो कोई दूसरी चाय अच्छी नहीं लगती। कनीस चाय प्रीमियम क्वालिटी वाली चाय है, जिसमें ऑर्थोडॉक्स होता है, जो बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और डॉक्टर भी ऑर्थोडॉक्स के सेवन की सलाह देते हैं। कनीस चाय को आसाम के बागानों से चुनकर लाया जाता है और नेचुरल तरीके से बनाया जाता है। अरे वाह, तब तो मैं भी आज से अपने घर कनीस चाय ही लाऊंगा। और ये लीजिए आपकी कनीस चाय पत्ती। आप भी आज ही कनीस चाय पत्ती लाइए और चाय का असली टेस्ट पाइए। कनीस प्रीमियम टी, दिल की बात जुबां पे। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।